तो मतलब मेरा ऐसे होता था कि मैं जैसे 3-4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ती थी, ऐसे 8-9 घंटे। लेकिन सर खुशी है कि 12th के साथ हो गया, उसको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा। आपके पढ़ाए हुए बच्चे जब इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो शायद कभी नहीं सुनने को मिलती, तो कैसा महसूस करते हैं? हाय नमस्कार, इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ऐसा कहते हैं कि कक्षा 12वीं के साथ डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत एवं बहुत अच्छी जो टीचर्स होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, और वही सब संसाधन आपको अगर ग्रामीण परिवेश में मिल जाएं और आप कक्षा 12वीं के साथ ही कर पाएँ तो उसका कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो चीज़ें उनके लिए बहुत आसान हो जाती हैं जीवन में। तो मेरे साथ आज हमारे इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल संस्थान की एक छात्रा चिनाक्षी चौधरी है और उनकी माता जी हमारे साथ बैठी हैं, संस्थान के डायरेक्टर राजा चौधरी हमारे साथ बैठे हैं। चिनाक्षी की बात करें तो इनकी कैटेगरी रैंक 6324 है और ये कक्षा 12वीं के साथ ही इन्होंने IIT क्रैक किया है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू सेशन में। चिनाक्षी, आपने इतनी बड़ी सफलता और कक्षा 12वीं के साथ ही प्राप्त की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि 12th के साथ ही मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे को ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत बार जब अपन तैयारी करते हैं और कक्षा 12वीं के साथ तो प्रेशर रहता है कि कक्षा 12वीं में मेरे को अच्छे परसेंटेज बनानी है, या साथ में ये भी प्रेशर रहता है कि मैं IIT के या फिर जिस भी एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे को वो निकालना है, तो कैसे इसके बीच में मतलब कक्षा 12वीं परसेंटेज ज़्यादा मैटर है या फिर साथ में इंजीनियर बनना ज़्यादा अच्छा लगता है? 12th की परसेंटेज मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती अगर 12th के साथ अगर IIT हो रही है तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल था, क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है कक्षा 12वीं के साथ निकालने के लिए, तो उसके बारे में भी ज़रा कुछ हमें बताइए। तो मतलब मेरा ऐसे होता था कि मैं जैसे 3-4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ती थी, ऐसे 8-9 घंटे, लेकिन फिर वही 5-6 दिन नहीं पढ़ पाती थी, एक दो चलता था। तो ऐसे था कि हाँ 3-4 दिन में इतना कर लेना है कि आगे टीचर बोले ना ये पूरा है तो हाँ ये पूरा है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, उसके डबल दिन आप रेस्ट करो। तो ये भी एक सबके अपने अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का, सबका अपना स्टैंडर्ड होता है। चिनाक्षी की माताजी भी हमारे साथ हैं, आपकी माताजी को आप माइक पास करें। मैम, आपकी बेटी ने कक्षा 12वीं के साथ ही IIT जैसा बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप सबसे पहले? सर खुशी है कि 12th के साथ हो गया, उसको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा। और दूसरी बात, इतने छोटे से कस्बे में अगर इतना अचीव कर लिया ये बहुत बड़ी बात है। मैम, आपने बात की इतने छोटे कस्बे में इतना बड़ा अचीव कर लिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि एक छोटे कस्बे में बहुत अच्छी फैकल्टी का मैनेजमेंट, एक बहुत अच्छा संस्थान, क्योंकि संस्थान तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन जो संस्थान के अंदर जो टीचर्स होते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट होता है, वहाँ के जो डायरेक्टर के एफर्ट्स होते हैं। तो आपकी बेटी ने कक्षा 12वीं के साथ ही किया, तो उसके बारे में, संस्थान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो सर, आज़ाद सर इतने छोटे कस्बे में रह के और अगर इतनी बड़ी सोच रखते हैं और बच्चों का सिलेक्शन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और एक डायरेक्टर के ऊपर ही होता है कि वो कैसे टीचर रख पा रहा है, और टीचर अच्छे होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही देंगे ये तो। और टीचर बहुत अच्छे थे जो उन्होंने इतनी मेहनत करी, मोटिवेशन भी किया, बच्चों को मोटिवेट भी किया हर बार, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया था IIT JEE का, तब हम चिनाक्षी का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उस दिन ये कह रही थी, बड़ी शर्मा रही थी और शायद उस दिन ये अपनी परसेंटाइल भी भूल गई थी। हाँ। तो उसके बाद में मैं सोच रहा था कि जब इनका दोबारा इंटरव्यू करेंगे तो हम उसको डालेंगे साथ में। तो चिनाक्षी का जो घर का जो शेड्यूल होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि संस्थान में बच्चा 6 से 8 घंटे रहता है, बाकी पूरा परिवेश डिपेंड करता है कि वो अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहें। घर के पढ़ाई शेड्यूल के बारे में भी जरा हमें कुछ बताइए। सर पढ़ती तो रहती थी हमेशा, अब ये नहीं मालूम, ये इसने ये रूम तो छोड़ा नहीं घर, ना किसी को ये आने देती थी अंदर, बस स्टडी के अलावा और इसको कुछ नहीं, इसका यही था। बार बार हम लोग कहीं घूमने जाते थे, इसके डैडी का पोस्टिंग हुआ शिमला तो पूरी फैमिली गई लेकिन ये नहीं गई। मैंने इसको बोला कि चलने के लिए, तो बोली नहीं आप मुझे ना 2 साल कुछ मत बोलो, फिर 2 साल के बाद मैं आपको घुमाऊँगी। तो ये इसका खुद का ही था, बाकी हमने कभी बच्ची को ये फोर्स नहीं किया और ना ही हमारा कोई ऐसा कोई सपना था कि बच्चा IIT करे, ये इसी की खुद की मेहनत और टीचर की मेहनत थी पूरी।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मैम कि माता पिता के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि आप अब मुझे 2 साल के लिए कुछ मत बोलो, बाद में मैं आपको घुमाऊंगी। हाँ, ये बार बार बोलती रहती थी कि है ना डैडी आप मुझे मत बोलो। मैं हर बार ये सोचती थी कि इसको थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए, क्योंकि और इस पे स्टडी का तो देखो जब बच्चा इतनी बड़ी तैयारी करता है तो वर्कलोड तो होता ही है, लेकिन इसने फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को ही दिया। कभी ना ये शादी में गई ना किसी फंक्शन में, सिर्फ स्टडी का था इसका मेन। बहुत अच्छी बात है मैम। सर, आपके पढ़ाए हुए बच्चे जब इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो शायद कभी नहीं सुनने को मिलती, तो कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं सिनाक्षी और इनके पूरे परिवार और इनके सभी गुरुजनों को इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा आप 12th के साथ ही IIT में हो जाते हो, एक परिवार के लिए, एक संस्था के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि बच्ची जब ये 9th में जब आई तो उस टाइम 9th में एडमिशन लिया, तो इसको हमने एक स्कूल में, हम फाउंडेशन चलाते हैं, फाउंडेशन में एडमिशन लिया। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ती रही और लगातार अपने आप को ग्रोथ करती रही और 10th में भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई। उसके बाद फिर ये अगले सेशन में इन्होंने मैथ लिया और उसका एक ही लक्ष्य था कि IIT निकाल लिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन मैं स्पेशली मैं इनके मम्मी को इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हर पेरेंट्स यदि ऐसे ही बच्चे का पूरा केयर करे तो मेरे हिसाब से जितने भी पेरेंट्स इतना केयर करेंगे तो उन सारे बच्चों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि केयर बच्चे की जितना माँ बाप कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। यदि आप ऐसे ही केयर कर सकते हैं तो आपके सभी बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बार बार हर महीने हम PTM कराते थे, हर PTM में इनका आना, बीच में भी यदि कोई छोटी मोटी बात ऐसा कुछ महसूस ये करती थी कि बच्ची के कुछ नंबर थोड़े कम आ रहे हैं तब भी बीच में आ जाया करती थी। तो इस तरह का यदि आपका विजन है कि बच्चा ये IIT में जाना चाह रहा है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स यदि इतना सीरियस होते हैं तो सिलेक्शन तो पक्का ही होगा। मेरे यहाँ तीनों चारों पांचों बच्चे जो भी IIT और वो नीट बच्चा हुआ है, मैं सभी पेरेंट्स को आज ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत की है, बच्चे के साथ साथ इन्होंने बच्चों का साथ दिया है। हम जैसों को भी इन्होंने बीच बीच में बताते रहते थे कि हम और उस समस्या की तरफ जाते थे और उसका सोल्यूशन निकालते थे, तो उससे क्या इनकी ग्रेड बढ़ती चलेगी, इनकी रैंक और बढ़ती चलेगी, तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा इन्होंने किया। सर, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि 11th 12th में फाउंडेशन नहीं करवाना चाहिए कि भाई उसकी परसेंटेज के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा या फिर उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे को फाउंडेशन की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? ये जवाब तो अभी चिनाक्षी दिया, आपने गौर किया हो तो, कि परसेंटेज मायने नहीं रखती यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बच्चा इस बात को कह रहा है कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है, यानी इस लेवल पे यदि आप चल रहे हो तो फिर परसेंटेज का क्या ही करना है। जितनी मिनिमम चाहिए 75, वो तो ऑटोमेटिक अपने संस्थान में तो सिलेक्शन वाले सारे बच्चे ये 90 के आसपास हैं। अब आप ऑटोमेटिक समझ जाओ कि सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी रेंज वहाँ होगी। अब जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसकी परसेंटेज डाउन जा रही है, तो इसका मतलब उसने कभी गौर किया ही नहीं। वरना मैं तो इतना ही कहता हूँ, एक हफ्ते भी यदि आपने एक सब्जेक्ट पे गौर कर लिया ना, पढ़ने की बात नहीं, गौर भी कर लिया तो भी आपकी 90 क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि आपका सब कुछ तो क्लियर है। अब इसमें बोर्ड और फाउंडेशन अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, बस आपको उस पर गौर करना है। एक वीक एक सब्जेक्ट का गौर कर दिया, उसी पर 90 क्रॉस हो जाएगा। परसेंटेज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, खूब बनती हैं। आज इन बच्चों के 90 क्रॉस कर रही है और ऊपर सिलेक्शन भी इनका हो रहा है IIT में, और क्या चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि आपके जो छोटे भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कोई पढ़ाई की एक टिप्स देना चाहें कि आप इस तरीके से पढ़ाई करके अपने 11th 12th में और आप 12th के साथ ही डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? बस अपने टीचर को फॉलो करो, बन जाओगे बिल्कुल ही। टीचर पर मतलब ऐसे रखो कि हाँ, जो टीचर ने कह दिया वो करना ही है बस। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को जब भी सवाल समझाया जाता है और उसको अक्षर से बच्चा गौर से उसको पढ़ता है पूरा,
और फिर घर जाके उसी सवाल को, उस तरह के और सवालों को जब बच्चा करता है वो बड़ी आसानी से सवाल सोल्व हो जाते हैं। फिर भी कोई छोटी मोटी चीज़ रह जाती तो अगले दिन आके फिर सर से पूछ जाते हैं और वो सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं। ये विश्वास ही होता है टीचर और बच्चे का, जिससे वो सारा आगे आगे बढ़ता रहता है। एक दिन यदि टीचर के प्रति आपका अविश्वास हो गया, उसी दिन वो पूरा चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आएगा। टीचर तो पहले भी वही थे और आज भी वही है। इसलिए आपका विश्वास होना ज़्यादा मैटर करता है कि आपके सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। चिनाक्षी के इंटरव्यू से हमें एक बहुत खास बात सीखने को मिलती है कि आपके परसेंटेज चाहे 80 बने 90 बने, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो परसेंटेज किसी भी काम की नहीं है। एक 80% का विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन हो गया और एक 95 का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो किसी काम का भी नहीं है। ठीक बात, बिल्कुल। तो हमारी तरफ से चिनाक्षी, आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।